दोस्तों, अगर आपने टीवी का पॉपुलर शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो देखा होगा तो आपको शो में लाली का किरदार तो जरूर याद होगा, जिसे निभाने वाली अभिनेत्री ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था कि दर्शक इनकी अदाकारी के इतने बड़े फैन हो गए कि इनसे शादी करने के लिए बेकरार उठे थे। और इसी बेकरारी के बीच इनके एक फैंस का ये सपना पूरा हुआ। उन्होंने रतन राजपूत को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया कि रतन राजपूत उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके साथ शादी रचा ली। आखिरकार कौन है वो खुशनसीब शख्स जो इनके फैंस से बन बैठा लाइफ पार्टनर? अगर आप भी उस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। टीवी इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने अपने फैन के साथ साथ फेरे ले लिए, जिनमें से एक नाम अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो फेम रतन राजपूत का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने फैन से ही शादी रचाई। आपको बता दें इनकी वो फैन कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के अभिनव शर्मा है, जो की रतन राजपूत से शादी करने के कितने बड़े ख्वाब देख रहे थे। जब से इन्होंने इनका शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो देखा था, तभी से वो इनकी जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वो दिल से चाहते थे कि एक दिन उन्हें रतन राजपूत का हमसफर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों, उसी बीच ईश्वर की कृपा देखो कि रतन राजपूत ने अपना स्वयंवर रचाया, जिसमें उनसे शादी करने के लिए कई बड़े बड़े बिजनेसमैन बेकरार हो रहे थे, पर ये ख्वाहिश पूरी हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिनव शर्मा की। जी हाँ, बता दें उन 14 सालों के बीच में रतन राजपूत ने इन्हें अपने पति के रूप में चुना और उसी स्वयंवर में इन्होंने इनके साथ शादी रचाई, जिसके चलते इनके फैंस का ख्वाब पूरा हुआ। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच ना जाने क्या हुआ, पर आज भी ये रतन राजपूत के पति के रूप में ही जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रतन राजपूत को दोबारा से अपने पति के साथ मिलकर रहना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।